एवरी वन वेलकम बैक एंड लेट्स के बारे में basic understanding we have already done. And now, क्या किया था और फिर, के साथ पॉइंट फिर सर्कल के साथ लाइन फिर सर्कल के साथ सो मेनी थिंग्स से बात करते हैं पैराबोला एंड पॉइंट की बात करते हैं, parabola and point की बात करते हैं तो पैराबोला और पॉइंट में क्या स्टोरी होगा सेम स्टोरी या तो पॉइंट पैराबोला से आउटसाइड होगा या फिर पैराबोला पे ही लाई करेगा और या फिर पैराबोला के अंदर होगा एंड द आइडिया इज द आइडिया दैट वर्क्ड फॉर सर्कल द सेम आइडिया वर्क्स फॉर पैराबोला आल्सो सो एक पर्टिकुलर केस अगर मैं y2 4ax की बात करता हूं तो आई कैन से कि y अगर ग्रेटर ग्रेटर रूट फोर आउटसाइड होगा है तो ऑन होगा तो लेस देन है तो ए साइड होगा बट ये सब करने के बाद फाइनली याद है पी सी लेस देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर ये सब कुछ करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आया था दैट वाज अ ब्यूटीफुल रिजल्ट एंड वाज कि अगर एस वन लेस देन जीरो है तो इन साइड एस वन इक्वल टू जीरो है तो ऑन और एस वन ग्रेटर देन जीरो है तो आउटसाइड था वर्क्स फॉर पैराबोला दिस आल्सो नाउ दिस पैराबोला कुड बी एनीथिंग तो फॉर एनी पैराबोला अगर पॉइंट इनसाइड है तो लेस देन जीरो आएगा पॉइंट ऑन है तो इक्वल टू जीरो आएगा और पॉइंट आउटसाइड है तो जीरो आएगा। अब इसमें क्या है इस पैराबोला बोला को लिखना कैसे है है, तो आपको सो यू नॉट टेक फोर ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर सेकेंड डिग्री टर्म को प्रेफरेंस देते हैं एंड इस तरह से कई सारी चीजें हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग वन आफ्टर द अदर बट फिलहाल यू कैन अंडरस्टैंड कि सेकेंड डिग्री टर्म को प्रिफरेंस देते हैं बट इवन बिफोर दैट द बेस्ट मेथड द बेस्ट आइडिया विदाउट एनी थॉट इज टू ड्रॉ ड्रॉ करोगे तो कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा दैट्स इट बट इफ यू कैनॉट ड्रॉ यू विल नॉट वाला केस नहीं आएगा आपको ड्रॉ करना ही चाहिए यू शुड ऑलवेज ड्रॉ एवरीथिंग दैट कम्स लेकिन इफ यू नॉट ड्रॉ सपोज कोई ऐसा केस है आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं देन वी कैन यूज दिस मेथड टू फाइंड द पोजिशन ऑफ पॉइंट अब जब पॉइंट की बात करते हैं तो आउटसाइड इनसाइड इन साइड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पैरा बोला बट पॉइंट ऑन द कर्व इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और जब पॉइंट ऑन द कर्व होगा तो वी प्रेफर टू चूज पैरा पॉइंट और पैरा पॉइंट ये स्टैंडर्ड वाले पैराबोला का हमें पता है वी नो द मेट्रिक पॉइंट ऑफ द वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स इज बेसिकली एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी विच इन शॉर्ट वी राइट एस टी सपोज देर इज अनदर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए इसका भी अगर पॉइंट है तो वी कैन से दिस इज पॉइंट टी और टी इज नॉट ए टी स्क्वायर कॉमा टू इन दिस केस टी इज व्हाट माइनस टी स्क्वायर कॉमा टू अगर पैराबोला डाउनवर्ड है पैराबोला अपवर्ड है एवरीवेयर द पॉइंट द पैरामीटर इज टी लेकिन जो स्टैंडर्ड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है दैट मे चेंज सो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क वो है सपोज वी है कई बार आपको दिया points, a point T. और T का मतलब उस पर्टिक्यूलर कर्व का उस पर्टिक्युलर पैरा बोला का जो पैरामीटरिकॉइंट uh, है उसका पैरामीटर टी दिया हुआ सो एफ आई से टू पॉइंट टी वन एंड टी टू ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स सो दिल बी वॉट दैट विल भी ए टी वन स्क्वायर कौ टू ए टी वन एंड ए टी टू स्क्वायर कोमा टू ए टी टू अगर पैरा बोला ये वाला हो गया तो माइनस ए टी वन स्क्वायर कोमा टू ए टी वन माइनस ए टी टू स्क्वायर कोमा टू ए टी टू बट इन ऑल दीज केसेस वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी ओनली दिस केस और उसके रिलेशन को उसके रिजल्ट को ये पैराबोलास एंड अदर टिल्टेड पैराबोलाज सबके ऊपर एक्सटेंड कर देंगे लाइक द केस वी यूज इन सर्कल सर्कल में वोड वी डेड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर स्टैंडर्ड सर्कल के लिए सब कुछ डिराइव किया एंड देन वी प्रोजेक्टेड एवरीथिंग फॉर एवरी अदर सर्कल सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग फ्रॉम फॉर दिस एंड विल एक्सटेंड दैट फॉर एवरी अदर पैराबोला

इक्वल टू फोर ए वाई दिस इज एक्स स्क्वायर इज माइनस फोर ए वाई से जगह माइनस एक्स एक्स और वाई को इंटरचेंज एक्स और वाई को इंटरचेंज और फिर वाई की जगह माइनस वाई एंड दिस विल गिव यू एवरीथिंग एल्स सो नेक्स्ट Onwards, इसके बाद जो कुछ भी आने वाला है वो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउटली कन्वर्ट देम टू फॉर्म एंड एंड पैराबोला पोजिशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा इसका यूज करोगे तो भी पता चल जाएगा बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉइंट टी now ऑनवर्ड्स फॉर दिस पैराबोला टेल समथिंग एल्स इज मैं अगर वी आई की यह पैरा बोला है तो इसके लिए करना पड़ेगा गिवेन ये पैरा बोला है we'll गिवन दिस बट इफ नॉट गिवेन विल ऑलवेज प्रीफर दिस पैरा बोला क्योंकि दिस इज स्टैंडर्ड इसके हिसाब से हम बाकी के लिए चेंजेस अपने आप कर सकते हैं सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस पैरा बोला एंड द पॉइंट टी टी मतलब ए टी स्क्वायर कॉमा टू एटी

Without any mention, I am taking y square equal to 4x. Let's say ki a hai or b. है. So this point A can be taken as 80 square, comma 280. What about point B? Point B will be 82 square, comma 282. Actually, that is okay, but not a good idea because 80 square to dono ka same. 80 स्क्वायर इस सेम एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और वाई कोऑर्डिनेट विल बी एक्चुअली माइनस -280 वर्टिकल लाइन है वर्टिकल लाइन है डिस्टेंस सेम होगा बिकॉज़ ऑफ द सिमेट्री सो दीज आर द टू पॉइंट्स अब इनका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोलने का मतलब क्या है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब डिवाइडिंग देम इनटू 3 इक्वल पार्ट्स लेट्स से दीज पॉइंट्स आर पी एंड क्यू लेट्स फाइंड लोकस ऑफ पी बिकॉज पी का लोकस और क्यू का लोकस सेम होने वाला है सो इफ वी फाइंड लोकस ऑफ पी और वी फाइंड लोकस ऑफ क्यू इट्स गोइंग टू बी सेम सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड पॉइंट बी इफ यू सी क्लोज दी दिस पॉइंट पी डिवाइड द होल लाइन इन द रेशियो वन इज टू टू बिकॉज ऊपर का पार्ट देखोगे वन है नीचे का पार्ट टू है सो दिस इज वन इज टू टू का बी देखो एक्स में तो कोई सोचना ही नहीं है बिकॉज एक्स तो हर जगह एटी स्क्वायर होगा वाई की बात करते हैं तो टू इंटू टू फोर एटी माइनस टू एटी अपॉन टू प्लस वन दैट इज टू एटी बाई थ्री सेक्शन फॉर्मूला है इन दोनों को वन इंट टू में डिवाइड करना आप सिंपल लाइन पे ड्रॉ करके देखोगे तो यूल एबल टू मैनेज अब इसका लोकस फाइंड करना है सो दिस विल बी एच कॉमा के सो इक्वल्स टू यहां लिखते हैं एच इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड के इक्वल्स टू टू ए बाई थ्री

ए एक्स इज द लोकेस्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स अपन नाइन द होल आईडिया क्वेश्चन नंबर वन लेक अबाउट क्वेश्चन नंबर टू इफ यू वॉन्ट लोकेस्ट ऑफ क्यू यू विल फाइंड द सेम आइडिया बिकॉज क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा एटी स्क्वायर को हम माइनस टू एटी बाई थ्री जब माइनस टू एटी बाई थ्री लिखोगे तो यहां माइनस आएगा जब टी का वैल्यू माइनस में पुट करोगे स्क्वायर करने पे तो सेम आ जाएगा यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग बिकॉज जो फाइनली लोकस लोकस मिलने वाला है वो लोकस इज अगेन से पैरा बोला। ये वाला लोकस जो है वो भी पैरा बोला ही है देखो पी और क्यू दोनों से पास कर रहे हैं इट इज पासिंग टू बोथ पी एंड क्यू तो पी और क्यू का लोकस सेम आने वाला है सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑल द कोट्स और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन ओरिजिन से पास होने वाले जितने भी कॉर्ड्स हैं उनके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है ना मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड अगर हमें पता है तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द कॉर्ड व्हाट टी इक्वल टू एस वन फ्रॉम सर्कल बट अभी पैराबोला में वी आर नॉट गोइंग सो आम नॉट गोइंग इन बी सोल्विंग टीवलो बट नो नीट सो द्वारी स्क्वायर कॉमा टू एटी और यह ओरिजिन तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एटी स्क्वायर प्लस जीरो बाई टू कोमा टू एटी प्लस जीरो बाई टू

इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई ए डेट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स वाई स्क्वायर विल बी टू एक्स अगेन अ पैरा बोला कैसा पैरा बोला इस बार दिस इज अ पैरा बोला लाइक दिस कोई भी कॉर्ड बना रहे हैं उसके मिड पॉइंट का लोकस विल बी अगेन अ पैरा बोला जिसका लेंथ ऑफ लाटस फोर ए की जगह टू ए हो गया थर्ड क्वेश्चन कहते लाइन ज्वाइनिंग टी वन एंड टी टू मतलब टू पॉइंट टी वन का मतलब ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन टी टू का मतलब ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू कहते हैं उनको वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है सो लेट्स से थर्ड क्वेश्चन में कि लाइन ज्वाइनिंग टी वन एंड टी टू टू दर्ट एक्स आर एक्चुअली परपेंडिकुलर अब अगर ये परिकॉज वी नो दैट की ओपीजेंडिकुलर टू ओ क्यू दिस इज पॉइंट पी दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट क्यू सो ओ पी का स्लोप क्या होगा टू ए टी वन माइनस जीरो अपॉन ए टी वन स्क्वायर माइनस जीरो विच गि एक्चुअली टू बाई टी वन एंड सिमिलरली उसका स्लोप हो जाएगा टू बाई टी टू शुड बी इक्वल टू वन माइनस वन इट मीन्स वी कैन से टी वन टी टू इक्वल टू माइनस फोर वट वी गेट कि अगर दो पॉइंट हैं उनको ओरिजिन पे ज्वाइन करने से वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब उन दोनों के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट माइनस फोर होना चाहिए एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी अमेजिंग एंड द अमेजिंग थिंग इज कि नाव दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस पैराबोला कोई भी पैराबोला ले लो वर्टिकल हॉर्जोटल टिल्टेड शिफ्टेड ओरिजिन वॉट एवर यू टेक एवरीवेयर उनके पैरामीटर्स का प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी माइनस फोर ब्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं कोई भी पैराबोला ले लो अगर आप यह वाला कोड निकालोगे अब उसमें ओरिजिन की जगह आपको वर्ड टेक्स बोलना पड़ेगा तो दैट विल बी अ सेम काइंड ऑफ पैराबोला विद हाफ द लेंथ ऑफ लैटेक्टर दिस विल बी सेम काबोला वट एवर केस यू टेक ऑफ ऑफ पैराबोला पैराबोला कैसे भी रोटेट कर दो लेकिन हमेशा आंसर विल बी ऑन अदर सिमिलर पैराबोला विद हाइट विल बी वन थर्ड हाइट उसका वन थर्ड हो जाएगा लेंथ अच्छा इसमें देखो फाइंड स्लोप ऑफ ओपी का एक क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग ओपी का जो स्लोप निकाला था दैट वाज एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस टू ए टी वन माइनस जीरो दैट कम्स आउट टू बी टू बाई टी वन सो दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड टू बाई तो ओ का स्लोप 2 बाई टी वन का स्लोप 2 बाई टी टू मल्टीप्लाई करके माइनस वन बिकॉज स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन होना है बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर एंड सो वी आर गेटिंग t1 t2 टी टू इक्वल टू माइनस फोर फोर्थ क्वेश्चन देखो लिखा है लेंथ ऑफ OP पी इज एल देन फाइंड पी तो फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं सो लेट मी से एक लाइन है ओ पी उसका लेंथ एल है तो ये पी पॉइंट क्या होगा सो आई कैन से कि इफ दिस इज ए टी स्क्वायर कॉमर टू एटी सो दिस एल विल बी अंडर रूट ए टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू एटी माइनस जीरो का स्क्वायर फोर फोर ए स्क्वायर टी स्क्वायर दिवस मी द वैल्यू ऑफ टी कैसे ये देखोगे तो टी स्क्वायर में क्वार है और यहां से आपको टी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा वहां से टी का वैल्यू मिल जाएगा एक दूसरा आइडिया है लेट मी क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग गुड दिस इज ओके ओके क्वेश्चन बट एक अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आया कि एक कॉड एट एंगल थीटा और कॉड एट एंगल थीटा इज ड्रॉन देन व्हाट विल हैपन अगर थीटा एंगल पे कॉड ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा अगर उसका लेंथ एल है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट विल बी एल कॉस थीटा इंटू एल साइन थीटा। बोलो ये सोनो एनी पॉइंट ऑन द लाइन मेकिंग थीटा एंगल इज

Or 4a cos theta upon sine square theta. So this is some idea about one point and the parabola. And now we are going for two point and the parabola. So let's do that. Thank you.